हमारा कंप्यूटर में जो अपडेट्स होता है, जो अपडेट्स ऑप्शंस होता है विंडोज अपडेट्स, अगर यहाँ से स्टार्ट मेनू में विंडोज अपडेट या कंट्रोल पैनल से अपडेट्स, ये जो ऑप्शंस है विंडोज अपडेट, इसमें अगर विंडोज अपडेट आता है तो इस ऑप्शन में यहाँ किसी भी जगह में ऐसा कोई ऑप्शंस नहीं है जिसमें विंडोज कनेक्शंस ऑफ होगा। तो विंडोज कनेक्शंस ऑफ करने के लिए तीन ट्रिप्स मैं बताऊंगा जो आपकी विंडोज की जो अपडेट्स आएगी वो पूरी तरह से बंद हो जाएगी। इस वीडियो क्लिप में मैं थ्री पॉइंट्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो आपकी कंप्यूटर में होने वाला अपडेट को पूरी तरह से बंद कर देगी। सो फर्स्ट पॉइंट, आपकी जो वाईफाई है उस वाईफाई की प्रॉपर्टीज में जाना होगा। जो नीचे जो वाईफाई हर कंप्यूटर या पीसी या डेस्कटॉप जिसमें भी है, सो वाईफाई ऑप्शन में वाईफाई की जो प्रॉपर्टीज है उसमें जाना है। नेक्स्ट, यहाँ से मीटर्ड कनेक्शंस ये ऑप्शन है, इसे ऑन करना है। सेकेंड स्टेप में सर्विसेस को ऑन करना है। सर्विसेस सिस्टम, यहाँ से रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, इसमें क्लिक करने के बाद सर्विसेज मेनू ओपन होगी। सेकेंड जो तरीका है, सेकेंड तरीके से सर्विसेज ऑन कर सकते हैं, कंट्रोल पैनल में आना है। यहाँ राइट साइड में जो ऑप्शन है यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से जो ऑप्शंस ये वाला ऑप्शंस को आपको क्लिक करना है। इसमें भी आप सर्विसेज ऑप्शंस को ऑन कर सकते हैं। सो ये है सेकेंड स्टेप। सो सर्विसेज मैं ऑन करता हूँ। सो यहाँ पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ से सर्विसेज, ये जो सर्विसेज मेनू है इसमें क्लिक करने के बाद ये सेम जो स्टार्ट में सर्विसेज और ये सर्विसेज दोनों ही सेम है, इसे ओपन करना है। सर्विस ओपन होने के बाद यहाँ पे जस्ट सर्च करना है विंडोज अपडेट। यहाँ पे विंडोज अपडेट कहाँ है, विंडोज अपडेट को सर्विसेज से सर्च करना है। नेक्स्ट, यहाँ पे ये है विंडोज अपडेट। सो विंडोज अपडेट यहाँ पे मैनुअल बाय डिफॉल्ट जब आपका पीसी अपडेट होता है तो ये मैनुअल ही रहता है। सो मैनुअल से यहाँ से डिसेबल, सो ये मैनुअल रहता है, यहाँ से डिसेबल करना है। सो यहाँ से ये है सेकेंड ऑप्शन। सो यहाँ से मैनुअल से डिसेबल। नेक्स्ट, डिसेबल करने के बाद यहाँ पे अप्लाई करना है एंड अप्लाई के बाद स्टॉप जो ऑप्शन है इसे क्लिक करना है। सो मैनुअल से डिसेबल से अप्लाई से स्टॉप होने में कुछ देर लगेगा। थोड़ा सा समय देने के बाद ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा, जो आपका अपडेट है वो बंद हो जाएगा। इस ऑप्शन से आपका जो अपडेट है वो ये जो ऑटोमेटिकली मैनुअल हो जाता है कभी कभी, सो इसलिए अपडेट करता है। सो यहाँ से डिसेबल करना है, डिसेबल अपडेट से यहाँ से ये जो विंडोज अपडेट से मैनुअल से डिसेबल से अप्लाई एंड स्टॉप। देन ओके। सो स्टार्ट मेनू, यहाँ से राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ से रन में एमएनसी पॉलिसी एंड यस, ओके एंड यस ये करने के बाद यहाँ से कंसोल, सो माइक्रोसॉफ्ट मैनेजमेंट कंसोल में आना है। कंसोल में आने के बाद यहाँ से फाइल से यहाँ से ऐड रिमूव, यहाँ से नेक्स्ट, यहाँ से जो आना है ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट ग्रुप, नेक्स्ट ओके।
यहाँ से जो करना है, सो लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, लोकल कंप्यूटर पॉलिसी, यहाँ से कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस, कंप्यूटर कॉन्फ़िगरेशंस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव टेम्पलेट्स, यहाँ से जो विंडोज कंपोनेंट, नेक्स्ट कंपोनेंट्स से यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से विंडोज अपडेट जो ऑप्शन है, विंडोज अपडेट में जाना है। विंडोज अपडेट में यहाँ से कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिक अपडेट्स, कॉन्फ़िगर्ड ऑटोमेटिक अपडेट्स से यहाँ से बाय डिफॉल्ट यहाँ से नॉट कॉन्फ़िगर्ड, सो यहाँ से एनेबल्ड, देन यहाँ से कॉन्फ़िगर ऑटोमेटिक अपडेटिंग से यहाँ से जस्ट जरा है वी है नोटिफाई फॉर सेकेंड में जो ऑप्शन है नोटिफाई फॉर डाउनलोड, ये ऑप्शन को क्लिक करना है एंड यहाँ से नेक्स्ट ओके।